स्टार्ट द न्यू लेसन इन द हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वॉर। तो स्टूडेंट आपको जैसे पता ही होगा कि जो लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वॉर करके रखा है। इस लेसन का नाम जो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वॉर क्यों रखा गया है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ये लेसन है इसका जो सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो किससे निकल के आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन। और जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे देशों से जुड़ने लगे, जब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्शन लेने लगें करने लगें या उनके जो थॉट्स हैं वो आपस में मिलने लगें, तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो जिस प्रकार से इनकी सिचुएशन बताई गई है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अगर ये कंट्री आपस में लिंक इनके बीच में होने लगे इस तरीके से, आपको जो लिंक है वो जो ये शो कर रहा है कि आपस में जो कंट्रीज हैं वो जुड़ने लगे हैं दूसरे, ठीक है ना। तो जो ये प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ को एक दूसरे से जुड़ने में लगे हुए हैं। फैक्टर के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आजकल के फैक्टर्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में हैं वो टेक्नोलॉजी है पहली बात, तो दूसरा MNCs हैं, तीसरा वर्ल्ड ट्रेड है और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन हमें बात करनी है किसकी, 19th सेंचुरी के ग्लोबलाइजेशन। अब 19th सेंचुरी का जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो निश्चित तौर पर दूसरे हो जाएंगे, क्योंकि जो इंडिया तैयार हुआ है पिछले 50 सालों में 70 सालों में उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो एग्रीकल्चर से लेकर सर्विस सेक्टर तक देखा गया है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि 19th सेंचुरी तक जिस प्रकार से जो वर्ल्ड था वो आपस में लिंक हुआ एक दूसरे देशों से, ठीक है ना। तो हमें कौन कौन से वो फैक्टर देखने हैं, तो फैक्टर्स के तौर पर जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वो हम बताना चाहेंगे आपको, कि जो एंशिएंट टाइम्स में जो लोग थे अक्सर एक दूसरे देशों से लिंक हुआ करते थे, वो भी अपने नज़दीकी देशों से, लेकिन धीमे धीमे जब उनका जो खोज था, जो उनका एक तरीके से सर्च था, जो उनके पास डिवाइसेस थे, उनकी संख्या धीमे धीमे बढ़ने लगी, इससे उन्होंने एक दूसरे देशों के पास जाना एक तरीके से स्टार्ट किया। और जो सबसे बड़ा कारण बना कि जो कंट्रीज से आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे, अदरवाइज जो लोग थे पुराने समय में वो अपने आप को जिस देश में रहते थे तो वहाँ पर वो उसको अपनी दुनिया मान लिया करते, और बहुत सारे ऐसे कार्टोग्राफर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड में लंबी दूरी तक की यात्राएं शुरू कर दी थी, वो भी 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बाद, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई यात्राएं नहीं देखी गई बड़े लेवल, ठीक है ना। जैसे कि बहुत बड़े जो खोजी अभियान दल चलाते थे लोग, जैसे कि एक्सप्लोरर थे, जैसे कि वास्को डी गामा थे, कोलंबस थे, तो इन्होंने लंबी दूरी तक की यात्राएं शुरू करी। तो सबसे पहला टॉपिक है इस लेसन का वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि आधुनिक संसार वो भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि वो एक ऐसा समय जब जो वर्ल्ड था ठीक ना वो किस प्रकार से मॉडर्न हो रहा था। मॉडर्न होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि विचारों का आपस में मिल जाना, जैसे कि ट्रेड का आपस में मिल जाना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो रिलीजन्स हैं उनका एक दूसरे देशों से जाके मिल जाना, तो मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना, ये फैक्टर होते हैं। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से जो वर्ल्ड था ग्लोबलाइज्ड हुआ उसके लिए फैक्टर्स बताए गए हैं, उस तरीके रूट बताया गया है तो फैक्टर, दूसरा फैक्टर बताया गया है फूड ट्रैवलिंग, और तीसरा फैक्टर बताया गया है कंक्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। ये तीन फैक्टर्स हैं जो है इनका बहुत अहम रोल माना गया है पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से लिंक करने में प्री मॉडर्न टाइम। प्री मॉडर्न टाइम्स का मतलब हो गया कि 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के बाद जब बड़े पैमाने पर चाइना था उसका प्रोडक्शन धीमे धीमे बढ़ने लगा, और कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जैसे सिल्क का, कॉटन का,
और ऐसे बहुत सारे दूसरे उत्पादों का, जिनकी वजह से जो यूरोपियन थे वो चाइना खास तौर से एशिया के देशों से संपर्क साधने लगे, और इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो लिंग थे वही दूसरे देशों से स्थापित हुए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तीन जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊँगा।